क्या विधायक का नाम? इरफान सुनेंगे। इरफान विधायक, आप लोग बैठिए, बात सुन लें तो यार भैया। और एक बार नहीं, कई बार सभी पड़ी थी और इनके परिवार से कानपुर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नेशनल रिजवान और उसके परिवार के अन्य चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पजेशन से हमें फॉरेन करेंसी, डबल मल्टीपल पासपोर्ट्स, परिवार के पास दो दो पासपोर्ट्स है, इंडियन एंड बांग्लादेशी, कूट रचित आधार कार्ड, एक बांग्लादेशी नेशनल के पास भारतीय आधार कार्ड का होना और साथ में फोर्ज्ड एंड फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे उन्हें अपने आप को इंडियन नेशनल प्रूफ करने में मदद मिलती है। विधायक इरफान सोलंकी जी के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ पेपर भी मिला है जिसमें उन्होंने इनको भारत का मूल नागरिक सर्टिफाई किया है, कानपुर का मूल नागरिक, और साथ में एक पार्षद का सर्टिफाइड पेपर भी मिला है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बांग्लादेश के खुलना का रहने वाला है, जो कि भारत का मूल नागरिक नहीं है, उसके पास से आधार कार्डों का पाया जाना, फेक आधार कार्ड का बनना, मल्टीपल पासपोर्ट्स का होना, उसके परिवार के पास दो दो पासपोर्ट्स का होना और उसके द्वारा फॉरेन करेंसी रखना, एक सीमा से ज्यादा इंडियन करेंसी कैश रखना और साथ में तमाम ऐसे कागजात मिलना जो कि एक गंभीर परिस्थिति की ओर इशारा करते हैं। इन सभी परिस्थितियों की जांच के लिए, सिचुएशन एंड सरकमस्टेंसेस की जांच के लिए हमने मुकदमा दर्ज किया है मूलगंज थाने में और इस गंभीर प्रकरण की हम जांच कर रहे हैं। जिस तरह के सिचुएशंस यहाँ पे हैं, जो कैश हमें मिल रहा है, जो मल्टीपल पासपोर्ट्स मिल रहे हैं, जो बांग्लादेशी नेशनल के पास भारतीय आधार कार्ड मिल रहा है, जिस तरह से कूटरचित दस्तावेज हैं, जिस तरह से अपना नाम छुपाने की कोशिश यहाँ पे लगातार की हुई दिख रही है और कुछ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जिस प्रकार से इसको सर्टिफाई किया गया है, इसमें हम इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि किसी का एजेंट भी निकले, ये हो सकता है कि किसी दूसरे इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और ये इसकी भी संभावना है कि राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हुआ कोई गंभीर विषय भी शायद जांच में सामने आए। दिस इज वेरी इनिशियल फेज, वी हैव जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन एंड वी हैव अप्राइज टू ऑल द एजेंसीज टू कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन एंड इंटरोगेशन। यहाँ पे सीसामऊ विधानसभा के विधायक हाजी इरफान सोलंकी के दिए हुए दो दो प्रमाण पत्र हैं जिसमें उन्होंने इनको सर्टिफाई किया है कि वो इनको जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे और ये भारतीय नागरिक हैं। उनके हस्ताक्षर की जांच और उस प्रपत्र पर किए गए हस्ताक्षर की जांच दोनों कराई जाएगी, मूल प्रति को FSL भेजा जाएगा, उनसे जो स्पेसिमेन सिग्नेचर लिया जाएगा और इस चीज को देखा जाएगा कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। ये गंभीर विषय है और गंभीर विषय पर नियमानुसार सभी अपेक्षित कार्यवाहियां की जाएंगी। सर, जो मेन अभियोग था, कितने आधार कार्ड मिले अलग-अलग नाम से? फेक आधार इनके पास से मुख्य 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 अभियुक्त के तीन आधार कार्ड मिले हैं, तीन पतों से नाम सेम है और साथ में उनके परिवार के सभी लोगों के आधार कार्ड मिले हैं, उनके परिवार के सभी लोगों के पास दो दो पासपोर्ट मिले हैं, एक इंडियन पासपोर्ट, एक बांग्लादेशी पासपोर्ट और इसके अलावा कई और भी कागजात मिले हैं, दोनों देशों की करेंसीज मिली हैं, विदेश की अलग अलग करेंसी मिली है, तो ये सारी चीजें हैं उसकी हम जाँच कर। सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है और सभी से पूछताछ होगी। हमने यहाँ पे महिलाओं को नहीं बुलाया था लेकिन जांच में सभी लोग हैं, पूछताछ में सभी लोग हैं, सभी की गिरफ्तारी होगी। ये जांच का, अभी ये जांच का विषय है, दिस इज टू अर्ली, बट यहाँ ये सही है कि दो तीन दिन पहले अभी हमने एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है जो कि ग्वालटोली के एक मुकदमे में हमारे लिए क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है और यहाँ आज फिर हमें फर्जी आधार कार्ड मिला है। तो दिस इज वेरी सीरियस एंड अलार्मिंग सिचुएशन, वी आर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ऑन दिस बोथ टू सिचुएशन, जैसा भी होगा वैसा हम विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे। यह एक गंभीर मसला है और हम इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय के रूप में ही देखते हैं।